डियर स्टूडेंट देखिए आपको बता रहे ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। जैसे स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म आर क्या है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, करेंट एसेट्स है या लिक्विड एसेट्स है। फिर से समझिए, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अलग है, शॉर्ट टर्म मैंने ड्यूरिंग 1 ईयर। तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, करेंट एसेट्स है या लिक्विड एसेट्स है। तो आपका आंसर क्या होगा, करेंट एसेट्स होगा। फिर से समझिए, बी होगा। क्यों, देखिए स्टॉक और इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, लिक्विड एसेट्स भी नहीं, तो क्या है, करेंट एसेट्स। ठीक है, उसी तरह सेकेंड नंबर, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड कंप्यूटर आर करेंट एसेट्स है, करेंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड एसेट्स है। तो देखिए जो 1 साल से अबव का एसेट्स है जैसे उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे कोई भी आप फैक्ट्री बना रहे तो मशीनरी जो खरीदते हैं हर साल नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीदे तो 4 साल 5 साल में फिर खरीदते हैं। फर्नीचर भी उसी तरह, कंप्यूटर भी उसी तरह, तो ये क्या फिक्स्ड एसेट्स है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फिक्स्ड एसेट्स सी नंबर होगा। फिर से समझिए, प्लांट मशीनरी फर्नीचर और कंप्यूटर क्या है आपको, आर करेंट एसेट्स है, करेंट लाइबिलिटीज है या फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स है। उसी तरह थर्ड नंबर, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज इन ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। फिर से समझिए, यदि आपका डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, तो आपका आंसर होगा सी, ग्रॉस लॉस। ठीक है, इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, तमाम बुक्स में भी होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्या होगा, एक एक मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली बना दीजिएगा, एकदम पट पट बनेगा। देखिए सामने 3 हो गया, और बताओ, देखिए फिर इसी तरह एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन पीएल अकाउंट, यदि पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो क्या होगा, नेट लॉस होगा, नेट प्रॉफिट होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली आपको हम बता चुके हैं इट इज नेट प्रॉफिट। फिर से समझिए, यदि एक्सेस क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से पीएल अकाउंट में तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ना कि नेट लॉस होगा और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट होगा। उसी तरह वेजेज एंड सैलरी डेबिटेड टू कहां होगा, पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में। देखिए फिर से समझिए, जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का है वो यदि पहले है, जैसे सैलरी वेजेज एंड सैलरी है, तो वेजेज कहाँ जाता है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए कि कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यदि रहता सैलरी एंड वेजेज तो सैलरी कहाँ जाता है, पीएल में, इसलिए पीएल में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं, वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा। क्यों, फर्स्ट आइटम क्या, वेजेज है, तो वेजेज कहाँ हम लोग लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो इसलिए हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ना कि पीएल में, बैलेंस शीट में। फिर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन शोन इन, यदि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया गया है, देखिए अभी जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर रहता था तो हम लोग उसको सेल्स का नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे और बैलेंस शीट में भी लिखते थे, लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया गया, अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स का नीचे नहीं दिखाएंगे। फिर से समझिए, यदि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया गया है, उस अवस्था में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट का एसेट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स का नीचे नहीं दिखाएंगे। और यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है, जैसे अभी आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो नीचे लिखा रहता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना, ट्रायल बैलेंस के बाहर, तब हम लोग 2 जगह करते हैं, एक करते हैं सेल्स का नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो अभी यदि क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सो तो फिर कहां शो होगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹1,20,000। फिर समझिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल दिया हुआ है और आपके पास कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स का दाम कितना है, 1,20,000। फिर समझिए, आपको लागत मूल्य दिया हुआ है 1,20,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% 20% सेल का है, तो आपके पास तो सेल नहीं है। तो देखिए इस तरह समझिएगा, लेट मैंने मान लिया सेल भी ₹100, मान लिया सेल ₹100 है
और उसमें जीपी कितना है 20% है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो 20 लेस हो गया जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 100 से, तो 80 रुपया कॉस्ट हुआ होगा कि नहीं। मान लिया सेल 100 रुपया है, मान सकते हैं उसमें कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, तो 100 का 20% 20 रुपया लेस हो गया, तो आपका कितना बचा कॉस्ट 80 है। तो जब कॉस्ट 80 है, व्हेन कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट 80 है तो आपका जीपी कितना है 20 है, कॉस्ट जब 80 है तो जीपी कितना है देखिए 20 है, तो 100 में कितना परसेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 100 इनटू 20 बाय 80 एंड दिस वन इज 25% ऑन कॉस्ट होगा, तो आपका कॉस्ट कितना दिया हुआ 1,20,000, 1,20,000 का 25% कितना होगा 30,000 पर जीपी होगा, तो जीपी इज 25% ऑफ 1,20,000 दैट इज 30,000। फिर से समझिए, आपको सेल में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके पास कॉस्ट दिया है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कॉस्ट सेल को हम लोग कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मान लिया कि सेल, लेट सेल बी रुपीज 100, मान लिया कि सेल 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो 100 का 20% 20 रुपया है, तो कॉस्ट कितना होगा 80 रुपया होगा। जब विक्रय मूल्य से, आप लोग मैट्रिक पास किए हैं, विक्रय मूल्य से जब हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो लागत निकल जाएगा, कॉस्ट निकल गया, तो जब कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट 20 है, तो 100 में कितना परसेंट होगा, तो 25% होगा, तो 25% कॉस्ट का, कॉस्ट आपका कितना है 1,20,000, इसका 25% होगा 30,000 होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एक बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000, जीपी इज 20% ऑन सेल्स, देन अमाउंट ऑफ सेल भी कितना होगा, अमाउंट सेल का अमाउंट क्या होगा, आपका कॉस्ट दिया हुआ 1,50,000 वस्तु का और ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20% ऑन सेल्स, तो आप सेल का अमाउंट बताइए, 1,82,500 का, 1,87,500 का, 1,85,000 होगा, तो आप कैलकुलेट करना होगा। देखिए लेट सेल भी 100, फिर से हमारे पास सेल नहीं दिया हुआ, तो सेल हम लोग 100 मानेंगे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20%, तो 100 का 20% 20 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट कितना होगा 80 होगा, तो जब कॉस्ट 80 है तो जीपी कितना है 20 है, जब कॉस्ट 80 है तो जीपी 20 है, तो 100 होगा, तो जीपी इज व्हाट, व्हाट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इनटू 20 बाय 80 दैट इज 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट कितना बेटा 1,50,000, 1,50,000 का 25% निकालेगा तो 37,500 होगा, 37,500, और वस्तु का मूल्य कितना 1,50,000, 1,50,000 देखिए सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, तो कॉस्ट है 1,50,000 और जीपी आपने कैलकुलेट किया 37,500, तो टोटल आपका सेल का अमाउंट कितना होगा 1,87,500, यानी आपका आंसर होगा बी 1,87,500। इस तरह का आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ओएमआर सीट पर होगा, वन नंबर का ही होगा आपका 100 क्वेश्चन, तो उस अवस्था में जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होगा जब आप सब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यदि कॉस्ट में दिया रहेगा तो हम सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल में दिया रहेगा तो कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ एकदम थॉरो। आप लोग मैट्रिक पास आउट हैं, आप लोग अर्थमेटिक पढ़े होंगे, सीखे होंगे, फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक बता दे रहा हूँ, ये सब बेटा पढ़ो, ये लाइफ में काम आएगा, जब बैंक का एग्जाम दोगे, LIC का दोगे, रेलवे का दोगे, SSC दोगे, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और पट पट बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है फास्ट विथ एक्यूरेसी, जल्दी में सही बनाना, जो जल्दी में सही बना देगा वो कामयाब होता है, इसके लिए मेहनत करो, कॉमर्स पढ़ रहे हो बेरोजगार नहीं रहोगे, ये दावा है, कोई भी पढ़ाई में बेरोजगार नहीं रहेगा यदि आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तो टुडेज वर्ल्ड इज कॉमर्शियल वर्ल्ड, इसलिए आपको बहुत सारा ऑप्शन है, आज एक इंजीनियर भी MBA करता है तब उसको अच्छा पोस्टिंग मिलता है, तो ये फैक्ट है, इसलिए मेहनत करो, मैं दावा करता हूँ अच्छे रिजल्ट करोगे, अपना भी नाम रोशन करोगे, अपने घर वाले का भी करोगे और हमारा कॉलेज का भी करोगे। बस मारवाड़ी कॉलेज कॉमर्स के लिए शुरुआत हुई थी, आज सब कुछ है हमारे कॉलेज में, लेकिन कॉमर्स मारवाड़ी कॉलेज का एक बहुत बड़ा बेस है, इसलिए आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में और तमाम आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ओके, प्रैक्टिस कीजिए।